हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 2019 के लिए जो चॉइस फिलिंग की डेट ओपन हुई थी 23 से लेकर 26 जून 2019 के लिए फ्लोट वाले कैंडिडेट्स के लिए और जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और हमने वहां पे यह भी बोला था कि 28 जून 2019 को जो इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग की लिस्ट है वो यहां पे AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज 28 जून 2019 को लेटेस्ट अपडेट AICTE की तरफ से अभी अभी आ रहा है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2019-20 बैच प्रोविजनल अलॉटमेंट राउंड टू की जो लिस्ट है वो AICTE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। क्लियरली फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करने से पहले लिस्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, जो यहां पे राउंड टू की प्रोविजनल अलॉटमेंट यहां पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो लिस्ट आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2019-20 के अंडर जो आपके राउंड टू की प्रोविजनल अलॉटमेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने फ्लोट के ऑप्शन में क्लिक किया था, दोबारा से अपनी चॉइसेस फिल की थी और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी, वो यहां पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि कितना इसका यहां पे मेरिट गया हुआ, कौन से रैंक तक अलॉटमेंट हो चुकी है जर्नल वाले कोर्सेज के अंडर और प्रोफेशनल वाले कोर्सेज के अंडर। और जिन स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में भी नाम नहीं है, उनका नेक्स्ट क्या रहेगा, उनको अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो भाई, सबसे पहले यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पिछली बार आपको पता है प्रोफेशनल का आपका जो ओपन मेरिट का रैंक गया था वो आपका गया था 6078। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो सेकंड राउंड की यहां पे काउंसलिंग लिस्ट का कट ऑफ यहां पे अलॉटेड कैंडिडेट्स का आया है वो आप यहां पे देख सकते हैं। ओपन मेरिट का काफी ज्यादा यहां पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर 14,075 लास्ट कैंडिडेट्स को यहां पे अलॉटमेंट हुई है। काफी ज्यादा हाई मेरिट यहां पे इस बार गया हुआ, यानी कि लास्ट कैंडिडेट तक यहां पे 14,000 तक मतलब अलॉटमेंट हो चुकी है। जिन कैंडिडेट्स का रैंक 14,075 से नीचे है, उनको यहां पे जिन्होंने चॉइसेस फिल की थी उनका यहां पे अलॉटमेंट हो चुकी है। और ओपन मेरिट के अंडर जो जनरल कोर्सेज के अंडर आप देख सकते हैं, इस बार यहां पे जो रैंक है वो काफी कम रहा है, 8,215 से नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ्लोट के ऑप्शन में या फिर उन्होंने जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई थी उनको इसके नीचे अलॉटमेंट हो चुकी है। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं जो यहां पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके जनरल के अंडर 7,240 और प्रोफेशनल के अंडर 10,510 के नीचे नीचे वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अलॉटमेंट हो चुकी है। ऐसे ही आप SC और ST का देख सकते हैं, SC का प्रोफेशनल के अंडर 1,377 से जितने भी नीचे कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ रहे थे, उनका 12,000 रैंक है तो उन्होंने जो चॉइसेस फिल की थी उनको यहां पे अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर आपका 12,000 रैंक था SC कैटेगरी के अंडर और आपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था तो आपको यहां पे अलॉटमेंट हो गई है। कैसे चेक करनी है वो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। सिमिलरली SC के अंडर आप जनरल कैटेगरी के अंडर देख सकते हैं 14,122 से नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पे अलॉटमेंट जनरल कोर्सेज के लिए हो गई है। ST का 11,000, जनरल के अंडर 11,823 और प्रोफेशनल के अंदर कंप्लीट 14,000 से नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 12,000, 11,000 उनको यहां पे अलॉटमेंट ST प्रोफेशनल के अंडर हो चुकी है। सिमिलरली आप SC BC कैटेगरी के अंडर भी देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक जो यहां पे सबसे पहला कैंडिडेट्स का 30 रैंक था, उसने फ्लोट के ऑप्शन में क्लिक किया था, उनको दोबारा से यहां पे जो अलॉटमेंट है वो कॉलेज की हुई है। कॉलेज का नाम आप यहां पे देख सकते हैं, ओपन कैटेगरी के अंडर गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब स्टेट में ये पढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। और फाइनल कैटेगरी इनकी इंजीनियरिंग में लॉक हो चुकी है। कोर्स इन्होंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो अपनी चॉइस फिलिंग में किया होगा फिल, वो यहां पे चेक कर सकते हैं कि उनको यहां पे अलॉटमेंट हो चुकी है। अब आपको यहां पे राउंड वन में अपना नाम कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले यहां पे सर्च का ऑप्शन रहता है, यहां पे आपको अपना नाम लिखना है। तो जैसे मैं यहां पे राहुल लिख रहा हूं, तो राहुल के नेम से जितने कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे सबसे पहले 3-1 नंबर पे जो राहुल शर्मा कैंडिडेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इस कैंडिडेट्स ने फ्लोट के ऑप्शन में क्लिक कर दिया, 321 रैंक है तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्लोट के ऑप्शन में इन्होंने क्लिक किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली में कॉलेज मिला हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं।
तो फ्रेंड इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना नेम भी चेक कर लेना कि आपका नेम यहाँ पे सेकंड राउंड जो काउंसलिंग लिस्ट अभी अभी AICTET डिक्लेयर की है वो आपके यहाँ पे आया है कि नहीं है। जो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट कॉलेजेस की हुई है वो जो आपने चॉइसेस में फिलअप किया था, जैसे कि 23 से लेकर 26 तक चॉइसिस फिल का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका था, अच्छे तरीके से आपको बताया था कैसे चॉइसिस को फिलअप करना है ताकि आपको बेस्ट कॉलेज यहाँ पे मिले। तो अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं आपको यहाँ पे कॉलेज की अलॉटमेंट हो चुकी है। और ध्यान दें कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू द इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पे फिजिकली जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है यहाँ पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल कैंडिडेट 14,075 अंडर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से अपना चेक कर लेंगे सर्च वाला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया सर्च पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपना नाम ना लिख के अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे डालेंगे। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तब आपको वहाँ से स्टूडेंट आईडी मिली होगी, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली डालोगे तो आपका नेम यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक प्रोफेशनल ओपन मेरिट के अंडर 14,075 रहेगा, सिमिलरली बाकी कैटेगरी के लिए भी ऐसे ही रहेगा, आप यहां पे अच्छे तरीके से अपना जो नाम है वो चेक कर लेंगे अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक इससे बिलो था जो यहां पे कट ऑफ हमने डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स को यहां पे अलॉटमेंट हो चुकी है उनको यहां पे 15 जुलाई 2019 से पहले पहले यहां पे जो अलॉटमेंट सेंटर उनका जो अलॉटमेंट कॉलेज है वहां पे उनको जाना है, 15 जुलाई के बाद अगर वो जाते हैं तो उनकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं शाल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली और फिर जो सीट है वो अलॉटेड की जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिनका रैंक यहाँ पे इससे हायर है। तो जिनकी अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, जिनको अभी यानी कि जिनका रैंक इससे अबव है, यानी कि जिसका रैंक प्रोफेशनल में ओपन कैटेगरी के अंडर इससे अबव यानी कि 15,000 है, उसको यहाँ पे कोई भी अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, अगर ये वाले स्टूडेंट जिनको यहाँ पे कॉलेज मिल गया अगर वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं और 15 जुलाई 2019 से पहले पहले जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे नहीं रिपोर्ट करते हैं तो उनकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो जो सीटें कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली वो फिर यहाँ पे जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं यानी कि जिनका रैंक इससे ऊपर है यानी कि 14,000 से ऊपर है ओपन मेरिट प्रोफेशनल के अंडर, फिर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बार बार स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमको कॉलेज अगर इस लिस्ट में नहीं मिला तो कब मिलेगा, आपका जब राउंड 3 निकलेगा यानी कि ये वाले कैंडिडेट्स अगर अपनी सीट मिस कर लेते हैं यानी कि अपना इंटरेस्ट नहीं शो करते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे नहीं करना चाहते इसके अंडर, यानी कि उनको जो कॉलेज अलॉटेड होता है वो उनको नहीं पसंद आता या फिर उनके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज उनको नहीं मिलता तो उस सीट को क्विट कर लेते हैं, तो फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर आएगा। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स क्विट कर लेता है सीट तो फिर राउंड 3 दोबारा से आएगा, यानी कि इसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट काउंसलिंग की लिस्ट है वो राउंड 3 आएगी, उसके बाद जो इसका कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, नेक्स्ट कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। सिमिलरली SC ST और SC BC और फिजिकली हैंडीकेप्ड में भी सिमिलरली ऐसे ही रहेगा जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ओपन मेरिट के अंदर बता रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है 15 जुलाई से पहले पहले उनको या फिर 15 जुलाई को पूरे जो इनको इंस्टीट्यूट मिला वहां पे जाकर उनको ज्वाइन ही करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं फ्रेंड्स वो हमने पहले से वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, उन वीडियोस का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे तरीके से देख लेंगे कि आप लोगों को अपना स्टेट सब्जेक्ट एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, मैंडेट फॉर्म कहाँ से बनेगा वो हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। और जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे अलॉटेड कॉलेज में चले जाते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट उनको मिल जाती है, उनको जाते ही अपनी जो डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर का प्रोसेस है वो शुरू करना है, कैसे उसको शुरू करना है कैसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनेगी वो हमने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, आप वीडियोज़ में अच्छे तरीके से वहाँ से देख लेंगे, कंप्लीट हमने वहाँ पे डिटेल्ड में फ्रेंड्स से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे कंफ्यूजन भी थी कि हमारे कॉलेज की फीस 1,30,000 है वो हमको मिलेगी या फिर कॉलेज को मिलेगी, तो ये वाली कंफ्यूजन भी आपकी यहाँ पे दूर कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके 2 मैंडेट फॉर्म यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहला मैंडेट फॉर्म जो आपको वहाँ पे घर से बनवा के लेना पड़ता है, यानी कि घर से बनवा के इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्योंकि जो आपका बैंक रहेगा वो आपके घर के नियरेस्ट रहेगा जिसमें आपका अकाउंट है, तो जो यहाँ पे मैंडेट फॉर्म फॉर इंडिविजुअल है वो आपका बनेगा जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपने उस बैंक में जाना है, अपना अकाउंट नंबर वहाँ पर फिलअप करना है और वहाँ के अकाउंटेंट और वहाँ के जो मैनेजर है वहाँ से साइन करवाने की ये वाला जो अकाउंट है ये आपके बैंक में है मेरा, और फिर वो मैंडेट फॉर्म आपको AICTET की ऑफिशियल जो आपका पोर्टल रहेगा लॉग इन करके वहाँ
पे फिर आपको वो अपलोड करना है डीपीटी प्रोसेस के अंडर। और सेकंड वाला जो आपका मैंडेट फॉर्म रहेगा वो रहेगा आपका इंस्टीट्यूट के लिए। तो इंस्टीट्यूट उसमें सारी अपने अकाउंट्स की डिटेल्स फिलअप करेगा, जिसमें जो स्कॉलरशिप है अकेडमिक्स फीस के रिलेटेड वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएंगे। और जो आपका मैंडेट फॉर्म जो आपने फिलअप किया उसमें आपके जो मेंटेनेंस अलाउंसेस है हर साल 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे, जब आप डीबीटी प्रोसेस आपको जो कॉलेज अलाट हुआ है जब आप डीबीटी प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो जब आप डीबीटी प्रोसेस शुरू कर लेते हैं उसके बाद जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट टोटल इंस्टॉलमेंट आपकी 1,00,000 के अंडर, 1,00,000 आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको 1,00,000 में टोटल 9 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट आपकी 20,000 की रहेगी, बाकी जो रिमेनिंग 8 इंस्टॉलमेंट्स आपकी रहेंगी वो आपकी 10,000 रुपीज़ की रहेंगी। तो ये आपका जो मेंटेनेंस अलाउंसेस है इसमें आपके हॉस्टल पीजी सारे चार्जेस इसमें आ जाते हैं, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ जो यहाँ पे पीजी और हॉस्टल का रहता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है। तो अच्छे से आप समझ लें कि मैक्सिमम जो आपका खर्चा आता है ना पीजी और हॉस्टल का वो अप टू 60,000 से लेकर 70,000 तक का आता है, बाकी के जो रिमेनिंग चार्जेस है वो आपके रहेंगे हॉस्टल मेस का या फिर आपका जो बुक या फिर स्टेशनरी के कुछ चार्जेस रहते हैं या फिर आपने कोई लैपटॉप खरीदना है तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके 1,00,000 के अंडर आ जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा कोई भी स्टूडेंट्स को पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो जनरल का कोर्स हो चाहे वो प्रोफेशनल का कोर्स हो, आपको 1,00,000 रुपीज मेंटेनेंस अलाउंसेस सभी को मिलेंगे, चाहे आपने बीए कोर्स के लिए अप्लाई किया चाहे आपने बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई किया और या फिर आपने बी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया। ये जो मेंटेनेंस अलाउंसेस रहेंगे ये सभी के लिए सेम रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी अभी जो प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2019 की प्रोविजनल अलॉटमेंट राउंड 2 की काउंसलिंग लिस्ट आई है, कंप्लीट हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है। और नेक्स्ट राउंड में फ्रेंड्स यहाँ पे अप टू 2,000 मोर यहाँ पे बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे अलॉटमेंट जो उनको अलॉटेड कॉलेज मिला वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्विट कर लेते हैं। और फिर जो आगे वाले स्टूडेंट्स अगर ये क्विट कर लेते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करते तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका रैंक यहाँ पे 14,000 प्रोफेशनल ओपन मेरिट के अंडर ऊपर है फिर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे चांस मिलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, सबसे पहले आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना मेरिट चेक करना है कि आपका वहाँ पे कितना रैंक है। अगर आपका रैंक यहाँ पे फॉल कर रहा है आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर लेना आपने जो चॉइसेस फिल की थी जर्नल या फिर प्रोफेशनल की, आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला हुआ है और कौन सी चॉइस में मिला हुआ है जो आपने प्रायोरिटी वहाँ पे दी थी जब आपने चॉइस फिलिंग इसकी ओपन हुई थी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है जो यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट राउंड 2 की हमने यहाँ पे लिस्ट को डिक्लेयर किया अच्छे तरीके से, जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है या फिर जिनको हो गई है उनको कैसे अलॉटमेंट सेंटर में जाके वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने, इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2019 के अंडर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अलॉटमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर ये डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है आप मेल आईडी में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसीज रहती है, मैं आपको डायरेक्टली मोबाइल नंबर प्रोवाइड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। आप मेल आईडी में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फर्दरली मैं आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है। और स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन थी वो ये कन्फ्यूजन थी कि उनका आधार कार्ड में नाम कुछ हो रहा है, उनका बैंक पासबुक पे नाम कुछ हो रहा है और जो उनके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वहाँ पे नाम कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूँ ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, आपका नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे और आधार कार्ड पे सेम होना चाहिए और पासबुक पे भी आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए, क्योंकि AICTE ने क्लियरली लिखा हुआ है जो आपकी DBT प्रोसेस शुरू होगी वो यहाँ पे शुरू होगी जो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम रहेगा, यानी कि जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो नाम है यानी कि वही आपका 12th सर्टिफिकेट में होगा वही उसी नाम से आपका अकाउंट जो है बैंक वाला अकाउंट होना चाहिए। और सिमिलरली आपका जो आधार कार्ड पे नेम है वो भी फ्रेंड्स सेम होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आधार कार्ड का जो आपकी करेक्शन है वो कैसे करनी है, तो सिंपल आपको अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट किसी भी आधार करेक्शन सेंटर में आप जा सकते हैं, वहां पे आप अपनी जो करेक्शन है आधार से रिलेटेड जो भी है वहां पे करवा सकते हैं। अगर आपको आधार करेक्शन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट सेक्शन में वहां पे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंडेट फॉर्म में पूछ रहे थे कि पैन कार्ड उनको वहां पे पैन नंबर भरना या नहीं भरना, तो सजेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको वहां पे ब्लैंक छोड़ देना, आपको वहां पे कुछ भी नहीं भरना। लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो गई है तो आप अपना जो पैन कार्ड को अभी से अप्लाई कर देंगे,
क्योंकि इन फ्यूचर में आपका जो पैन कार्ड है वो यूज हो सकता है, आपका उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कैसे उसको अप्लाई करना है, फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि पैन कार्ड को भी डायरेक्टली कैसे आपने खुद से आप उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 107 रुपीज उसकी फीस रहेगी, 107 रुपये फीस रहेगी। आपको कोई भी एजेंट के पास नहीं जाना है, कंप्लीटली आपका 3 या फिर 4 दिन के अंदर आपको जो पैन नंबर मिल जाएगा और 7 या फिर 8 दिन के अंदर अंदर जो आपको पैन कार्ड है फिजिकली आपके घर में जो आपका आधार कार्ड या फिर जो भी आप एड्रेस प्रूफ देते हैं उस एड्रेस पे आपका जो पैन कार्ड है वो डिस्पैच हो जाएगा। सिंपली आप खुद से ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 18 ईयर से एज हो चुकी है, नहीं हुई है तो आप उस पैन कार्ड वाले सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ कंफ्यूजन थी जो हमने स्टूडेंट्स के यहाँ पे दूर की हैं, फिर भी कोई यहाँ पे कंफ्यूजन रिमेनिंग रह जाती है, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है वो यहाँ पे पैनिक हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं कि भाई हमको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुई है, हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो क्लियरली मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, पिछली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल का यहाँ पे कट ऑफ 6078 गया था ओपन मेरिट के अंडर, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे ऊपर चढ़ गया हुआ रैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं, जो यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट भी रहेगा वो भी यहाँ पे वेट करेगा अप टू लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिस्ट के लिए, उसको यहाँ पे अलॉटमेंट हो सकती है। क्लियरली हम यहाँ पे राउंड वाइज जो लिस्टें आएंगी उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको हमेशा अपडेट सबसे पहले फ्रेंड्स रखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।